चलो वर्क फंक्शन फॉर मेटल ए बी सी। चलो हम लोग पास तीन मेटल हैं जिनका वर्क फंक्शन फाइव वन दिया हुआ है, पहले वाले का 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फाइव टू, दूसरे वाले का दिया हुआ है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तीसरे वाले का दिया हुआ है वो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज तीन मेटल है, ए बी सी नाम है इनका, और वर्क फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है, विच लाइट इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन फॉर रेडिएशन ऑफ वेव लेंथ। अब इन तीनों पर मैंने एक रेडिएशन ला के आया 4041 का लैम्डा लेके आया, और इन तीनों मेटल पे अलग अलग डाल रहा हूँ, तो किससे फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा वो हमें कैलकुलेशन करना है। अब ये समझना है आपको कि फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर कब आता है। तो हम सबको पता है, बेसिक पढ़ के आए हैं कि अगर ये मटेरियल है और इस पर हमने लैम्डा इंसिडेंट करा दिया तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं एक खास लैम्डा पे आते हैं, लैम्डा मैक्सिमम होना चाहिए या फ्रीक्वेंसी मिनिमम होना चाहिए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम डालोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे, और उस लैम्डा मैक्सिमम के से जब डालोगे, ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम, तब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। अगर लैम्डा मैक्सिमम से कम है, ठीक है, तो उसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे यार, ठीक है। तो चलो पहले लैम्डा निकाल लें, हर एक मेटल का लैम्डा निकालना है, देखें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लैम्डा कितना है जिसकी वजह से। तो ऑब्वियसली जो है एनर्जी ऑफ द फोटोन इंसिडेंट जो पढ़ा वो एच न्यू होती है, और एच न्यू सी अपन लैम्डा, तो लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू आ जाएगी, और ये वर्क फंक्शन फाई के अगर इक्वल है तो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एच सी अपन वर्क फंक्शन फाई, वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी, ये वाली चीज़ है एक्सप्रेशन। अब हर एक के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यार, तो लैम्डा जो है और 41,000 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सब एंगस्ट्रॉन में है, तो एंगस्ट्रॉन में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगस्ट्रॉन में मैं आपको बताया था ये होगा 12 नंबर 420 एंगस्ट्रॉन में आएगा, और वर्क फंक्शन पहले वाले का 192, अभी इसको कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरे वाले के लिए 12 नंबर 420, और ये इसकी वर्क फंक्शन है 2.0, तो ये सब एंगस्ट्रॉन में आएगा। और तीसरे वाले के लिए ये लैम्डा मैक्स फर्स्ट फर्स्ट मेटल के लिए देखो, और ये लैम्डा मैक्स सेकेंड मेटल के लिए देखो, और ये लैम्डा मैक्स थर्ड मेटल के लिए, कैलकुलेट करो देखो कितना आता है। और ये लैम्डा मैक्स 12 नंबर 420 एंगस्ट्रॉन में एससी की वैल्यू होती है और वो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली इसको कैलकुलेट करो देखो कितना आता है, लेट अस कैलकुलेट इट। तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 6,468 एंगस्ट्रॉन आ जाता है, और ये ऑब्वियसली ये आ जाएगा 6,210 एंगस्ट्रॉन, और ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा टू, और टू ये आ जाएगा 2,484 एंगस्ट्रॉन। तो ये वाली जो चीज़ है ये तीनों की लैम्डा आ गई, तो ये पहले वाले की लैम्डा, ये दूसरे वाले की लैम्डा, ये तीसरे वाले की लैम्डा है, मतलब मैक्सिमम लैम्डा मेटल का। तो अब हमने कितना डाला था, हमने डाला था 4,100 एंगस्ट्रॉन ये डाले थे। तो जब लैम्डा जो ये जो है वो मैक्सिमम लैम्डा है, इससे मतलब लैम्डा इससे अधिक ही होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये वाला जो मेटल, ये जो लास्ट वाला मेटल है जिसको मेटल सी कर रहे हैं, ये कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करा सकता, मतलब ए और बी ये दोनों मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग को करा के देंगे, मतलब ए एंड बी हम लोग का सही ऑप्शन है, ठीक है, ये से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा।